हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित दामोड़े, योर होस्ट एंड दोस्त। आप सबका एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर पर स्वागत करता हूँ। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आर्टिकल है उनके कुछ खास यूजेस के बारे में। सो दोस्तों, जैसे कि आपने ऐसे यूजेस कभी भी किसी वीडियो में शायद ही देखे होंगे, आज मैं आपको ऐसे यूजेस इस वीडियो में बताऊंगा आर्टिकल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आवर की। यहाँ पर लिखा आवर, इसका हिंदी में अर्थ होता है घंटा। तो दोस्तों, आप इसके आगे कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, ए का, इन का या द का? तो आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया जाएगा। सो अगर आप यहाँ पर ए का यूज करते हैं तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर दूसरा शब्द लेते हैं, यहाँ पर लिखा है यूनियन, इसका अर्थ होता है संघ, इसका अर्थ होता है संघ। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इसके शुरुआत वोवल से हुई है, इसकी शुरुआत वोवल से हुई है तो इसके आगे एन आएगा। अगर ऐसा आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर एन आएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये भी गलत है। और नेक्स्ट जो हमारा फाइनल शब्द है, आखिरी वाला, वो है एप्पल, इसका हिंदी में अर्थ होता है सेब। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसकी शुरुआत एक वोवल से हुई है, किसकी शुरुआत एक वोवल से हुई है, तो आप यहाँ पर एन लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ना तो ए आएगा ना एन आएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। सो दोस्तों, इस तरह का पूरे यूज में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों, ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल है। ए, एन, द, ये तीनों आर्टिकल है। इनमें ए और एन एक इनडेफिनेट आर्टिकल है और द एक डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ ए तथा एन का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है एक या कोई, और द का अर्थ यहाँ कोई नहीं निकलता। जैसा कि आप जानते हैं, महान और अद्वितीय चीज़ों के लिए द का अधिकतर यूज़ किया जाता है। सो दोस्तों, एक जो सेंटेंस में नाउन रहता है, इसे डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने में आर्टिकल मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं ए और एन के यूज़ की। ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, और जो ए है उसका यूज़ सिंगुलर कॉन्सोनेंट के पहले किया जाता है, और जो एन है उसका सिंगुलर वोवल के पहले किया जाता है। सो जिस तरीके से दोस्तों मैंने परिभाषा बताई, उस तरीके से हम इसे समझते हैं। मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं मेरे बोर्ड पर, आप देखेंगे। यहाँ पर लिखा है मैंने हीरो, यहाँ पर लिखा है हीरो, इसका हिंदी में अर्थ होता है नायक, एक फिल्म का नायक। और इसके सामने है आवर, इसका हिंदी में अर्थ होता है घंटा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, ए और एन में से, ए ओब्लिक एन में से, इन दो आर्टिकल में से कौन से आर्टिकल का हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए, हमने जो कॉन्सेप्ट था हमारा, उसमें हमने बताया कि जो सिंगुलर कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो अगर किसी नाउन की, तो वहाँ हम ए का यूज़ करेंगे। और अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल वोवल से किसी वाक्य की शुरुआत हो तो वहाँ हम एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ उस तरीके से कोई वाक्य नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी कॉन्सोनेंट ही हमें दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर अगर ए का यूज करें तो क्या सही रहेगा, अगर यहाँ हम एन का यूज करें तो सही रहेगा? तो चलिए दोस्तों, हम लिख कर पहले देख लेते हैं। तो हम यहाँ एन का यूज करते हैं और यहाँ ए का यूज करते हैं। हमने इसका यूज इसके आधार पर ही किया है। तो यहाँ पर लिखा है हीरो या नायक। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के हमने आधार पर लगा दिया ए, बट यहाँ कॉन्सोनेंट के आधार पर ए नहीं लगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जो उच्चारण है उसका प्रोनंसिएशन है, वो प्रोनंसिएशन उसका आवर आ रहा है। क्या रहा है? आवर। इसकी शुरुआत जो हो रही है ये आ से हो रही है, तो इस कारण से इसकी शुरुआत एक वोवल से होने के कारण इसमें हम एन का यूज करेंगे। अगला जो हमारा शब्द है वो है हम्बल मैन, वो है हम्बल मैन यानी विनम्र व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति। यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट को देखते हुए ए का यूज करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट को देखते हुए ए का यूज करेंगे जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ अगर हम कॉन्सोनेंट को देखते हुए अगर हम यहाँ ए का यूज करें तो ये गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनेस्ट मैन, तो इसके शुरुआत इसके प्रोनंसिएशन भी एक वोवल से ही इसकी भी शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर हमें एन लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी एन का यूज होगा। सो दोस्तों बेसिकली जो ए और एन का यूज होता है वो रिटन फॉर्म में नहीं होता है, या यू कहे कि जो ए और एन का यूज होता है वो लिखित रूप में नहीं किया जा सकता, उसे हम प्रोनंसिएशन या यू कहे कि उसे पढ़ने के आधार पर ही उसका प्रयोग ए और एन का किया जाता है। हम इसकी नेक्स्ट यूज और देखते हैं ए और एन का। सो दोस्तों मैंने अपनी बोर्ड पर दो एग्जांपल्स लिखे हैं, सो आप इन एग्जांपल्स में बताएंगे कि इसमें से ए और एन में से कौन सा आर्टिकल इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो आप 100% लोग कहेंगे कि इसमें ए का यूज़ किया जाएगा, बट आप सभी रॉन्ग है, इसमें ए का यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी शुरुआत तो एक कॉन्सोनेंट से ही हुई है बट इसका प्रोनंसिएशन अलग हो रहा है। हम इसकी बात करते हैं कि इसकी शुरुआत हो रही है एम, इसकी शुरुआत हो रही है ए से और ये एक वोवल है, तो वोवल होने के कारण यहाँ लगेगा एन, यहाँ लगेगा एन लगेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इट इज आरटीसी बस, यह एक आरटीसी बस है, तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्सोनेंट से इसकी शुरुआत हुई है बट इसकी जो साउंड है वो आप देख सकते हैं आर, तो यहाँ पर भी एक वोवल आया है, तो यहाँ पर भी हमें एन का यूज ही करना होगा, ये एन का यूज हमने कर दिया। सो दोस्तों आपको ये डाउट्स भी क्लियर हो चुका होगा कि जो ए और एन का यूज है ये परफेक्टली प्रोनंसिएशन पर डिपेंड करता है। तो हम नेक्स्ट और हमारे जो मैं आपको इसमें 8 पॉइंट बताऊंगा, 8 पॉइंट में आप डिफरेंट यूज सीखेंगे ए और एन के, जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो दोस्तों हम अगले यूज की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम ए और एन का यूज नाउन के आधार पर ही करते हैं, अगर नाउन अनकाउंटेबल है या एक से ज्यादा है, उसकी संख्या अनगिनत है, तो वहाँ हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसे समझाता हूँ, जैसे दीज आर काउस, वे गाय हैं, तो यहाँ पर हम बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं वे गलती, दीज आर काउस, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरीके से बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता है कि दीज आर अ काउस, तो यहाँ पर उन्हें करेक्शन के लिए बोला जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूरा सेंटेंस तो सही है, यहाँ हम करेक्शन करें तो आखिर करेक्शन करें क्या, करेक्शन करने जैसा उन्हें कुछ नहीं दिखता, बट इन्हें करेक्शन की जरूरत रहती है। दीज आर अ काउस, वो इसे रॉन्ग सेंटेंस
समझ नहीं पाते कि आखिर ये रॉन्ग है कि ये रॉन्ग है, वो दोनों में डिफरेंस समझ नहीं पाते और वो इसे यस करके आ जाते हैं और अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फेल हो जाते हैं। सो दोस्तों, अगर कोई भी नाउन अनकाउंटेबल है तो वहाँ पर ए और एन का यूज नहीं होता है। तो दोस्तों हम अगले यूज की ओर बढ़ते हैं। अब कभी कभी यहाँ ऐसी कंडीशन भी बन जाती है कि नाउन, हम हमेशा नाउन को देख के ही आर्टिकल का यूज करते हैं, बट ऐसा बहुत ही कम जगह होता है। अगर मान लीजिए अगर कोई नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो वहाँ पर हमें एडजेक्टिव के अनुरूप आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। वहाँ नाउन को देखकर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, वहाँ एडजेक्टिव के अनुरूप हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। सो दोस्तों, अगर जो नाउन है उसके पहले एक एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब आ गया, तो वहाँ पर हम ना तो नाउन के हिसाब से लगाएंगे आर्टिकल, ना ही एडजेक्टिव के हिसाब से लगाएंगे, हम वहाँ आर्टिकल के हिसाब से एडजेक्टिव लगाएंगे। तो मैं इसे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, हम उसे फिर उसमें आर्टिकल का यूज करेंगे। तो जो हमारा एग्जांपल है वो है, दिस इज अ चार्ट, इसका मतलब होता है यह एक चार्ट है, यह एक चार्ट है। अब इसमें हम एक एडजेक्टिव लगाते हैं और ये हमारा हो जाएगा दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चार्ट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल का यूज है वो बदल गया है, हमारा जो आर्टिकल का यूज है वो बदल गया। हमारे पहले सेंटेंस में हमने बात करी थी एक चार्ट की, हमने एक चार्ट की बात करी थी कि दिस इज अ चार्ट, यह एक चार्ट है, तो हमने वहां पर एक आर्टिकल का यूज किया। अब हमने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण चार्ट है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट चार्ट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट चार्ट। तो यहाँ पर भी प्री पॉइंट जो आर्टिकल है वो हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हमें एडजेक्टिव के अनुरूप आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो यहाँ हमने उसी प्रोसेस को अपनाते हुए यहाँ पर हमने एडजेक्टिव के अनुरूप आर्टिकल का यूज किया है। अगर ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, तो हम एडवर्ब के हिसाब से भी अब इसे चेंज करते हैं और आर्टिकल का उसमें यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम एडवर्ब का यूज करते हैं इसमें, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट चार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर फिर से हमारा जो आर्टिकल है वो बदल गया है। इस आर्टिकल में बताया गया कि दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट चार्ट, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। अब यहाँ पर एडवर्ब आ गए, तो हमने फिर से अपना आर्टिकल एडवर्ब के हिसाब से लगाया है। तो मैंने आपको बताया कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हमें आर्टिकल एडजेक्टिव के हिसाब से लगाना है, अगर एडजेक्टिव के पहले भी कोई एडवर्ब आ जाए तो फिर हमें आर्टिकल एडवर्ब के हिसाब से लगाना है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की ओर। मैंने आपको वीडियो की क्लिप में, जो फर्स्ट क्लिप थी, उसमें बताया था कि एप्पल के साथ द लगता है, तो आखिर ये द क्यों लगता है, कैसे लगता है। हम ए और एन का यूज़ तो उसमें कर सकते हैं, बट द का यूज़ हमने अभी तक नहीं देखा, तो मैं आपको चलिए बताता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, तो हमने ये सेंटेंस लिखा और नीचे एक और सेंटेंस लिखा द एप्पल इज स्वीट, हमने यहाँ पर ये एक आर्टिकल का यूज किया और एक ये आर्टिकल का यूज किया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर वो किसी भी सेंटेंस में पहली बार आता है तो वहाँ पर हम ए और एन का यूज़ करते हैं, अगर वो एक से अधिक बार आता है किसी भी सेंटेंस में
तो वहाँ हम द का यूज कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल जेन्युइन तरीका है द का यूज करने का दोस्तों। सो आई होप आपको ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। और अधिकतर सिंपली वे में द का यूज महान जगहों और अद्वितीय प्लेसेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पर आता है वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिक आविष्कार, जो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं उसके लिए भी द का यूज इसमें किया जाता है। और जैसे शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम के लिए भी द का यूज किया जाता है। और वाद्य यंत्रों, जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम कोई भी सॉन्ग वगैरह, गिटार, म्यूजिशियन और पियानो एक्सेट्रा आइटम्स, जो वाद्य यंत्र है उनके लिए भी द का यूज किया जाता है। और धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदाय जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख, इस तरीके से। और नदी, महासागर, बैंक, रेलगाड़ी, इन सभी के पहले भी द का यूज किया जाता है। सो दोस्तों आई होप आपको ए एंड द आर्टिकल अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर हमें बता सकते हैं, जिससे हम हमारे वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करें। सो टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।